नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर की अंतिम वर्ष बीए की छात्रा का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिससे मीनाक्षी के अभिभावकों व अध्यापकों में खुशी का माहौल है। मीनाक्षी की इस उपलब्धि के लिए कॉलेज प्रशासन ने मीनाक्षी को बधाई दी और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मीनाक्षी इससे पहले इंटर स्टेट रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और अब वे 28 से 30 जनवरी तक आगरा में होने वाली राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और 76 किलोग्राम भार वर्ग में एक देश की अन्य महिलाओं को चुनौती पेश करेंगी। मीनाक्षी ने बताया कि वे फिजिकल फाइनल ईयर की छात्रा है और उनका चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इससे पहले वे जुडो रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में वे लोग घर चले गए थे और घर में उन्हें अभ्यास करने के लिए काफी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। इसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो उन्होंने वापस कॉलेज में आकर खूब अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए वे खूब अभ्यास कर रही हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जिंदगी में मौका मिला है तो कुछ करके दिखाएं और लड़कियों को कभी कम ना समझें। मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है और मैं हमीरपुर की रहने वाली हूँ और मैं फिजिकल फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं डिग्री कॉलेज हमीरपुर में पढ़ती हूँ और मेरा चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है और मैंने इससे पहले भी जूडो और रेसलिंग में गोल्ड मेडल कॉलेज के लिए दिया है। पहले तो ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन लग गया था तो हम लोग घर चले गए थे, तो घर में सुविधा नहीं थी कि हम वो कर पाएँ, फिर भी हमने कुछ प्रोवाइड करके सामान उसकी प्रैक्टिस की। फिर जैसे थोड़ा लॉकडाउन में ढील हुई तो हम हमीरपुर आ गए, फिर प्रैक्टिस दोबारा से हमने शुरू कर दी तो हमारी प्रैक्टिस जो थी वो ज़बरदस्त चली हुई थी और आगे जो है उससे भी ज़बरदस्त मतलब डबल तैयारी होगी नेशन के लिए। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर मौका मिला है तो कुछ करके दिखाओ और किसी को कभी कम मत समझना लाइफ में कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, लड़कियां जो है बहुत कुछ कर सकती हैं। मीनाक्षी के कोच ने मीनाक्षी उनके अभिभावकों व अध्यापकों को बधाई दी और कहा कि मीनाक्षी इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद भी मीनाक्षी ने कड़ी मेहनत की है। वो 5 जनवरी को सुंदरनगर में हुए ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन कर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आगरा में 28 से 30 जनवरी तक होगी, जिसमें मीनाक्षी भी हिस्सा लेंगी। सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी और उसके परिवारजन एवं गुरुजनों को बधाई देता हूं कि उसका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। मीनाक्षी हमारे कॉलेज NSCVM गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की BA फाइनल की छात्रा है और ये जुडो और रेसलिंग दोनों इवेंट्स करती हैं। इसका लास्ट ईयर भी इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल था, जुडो में भी और रेसलिंग में भी। काफ़ी मेहनती लड़की है और लास्ट ईयर इसने नेशनल खेला है रेसलिंग में और इस वर्ष चूँकि कोरोना के कारण हम एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाए, कॉलेज बंद थे, हमारे सारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद था, फिर भी बच्ची ने घर में जाकर अपने घर में कड़ी मेहनत की और आज जो 5 तारीख को सुंदरनगर में ट्रायल हुआ उसमें नेशनल प्रतियोगिता के लिए अपना चयन करवाया। जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है ये आगरा में 28 जनवरी से 30 जनवरी तक होगी और हम आशा करते हैं कि मीनाक्षी वहाँ पर पदक लेके जीतेगी। वहीं दिव्या राजपूत ने बताया कि 400 मीटर की रेसर हैं और मीनाक्षी प्रतिदिन उनके साथ ही अभ्यास करती है और कड़ी मेहनत करती है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी मीनाक्षी से प्रेरणा मिलती है कि वे कुछ कर सकती हैं। मेरा नाम दिव्या राजपूत है, मैं 400 मीटर की एथलीट हूँ। मीनाक्षी दी हमारे साथ ही सुबह और शाम वर्कआउट करते हैं, हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब उनका जो चयन है वो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। हमें आशा है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ करेंगी और मेडल जीत के लाएंगी। उन्हें देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, नेशनल में मेडल आ सकते हैं।